प्रदेश को विकास पथ पर अग्रसर करने वाले बजट में राज्य सरकार ने हर वर्ग हर तबके के लिए सौगातें दी हैं। आपणों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में मील का पत्थर ये बजट साबित होगा। बजट में महिला, युवा, किसान तथा गरीब सहित सभी वर्गों को संबल दिया गया है, जिससे विकसित राजस्थान के सपने को मूर्त रूप मिल सकेगा। बजट घोषणाओं के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समन्वय समिति बनाकर सभी घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। ये कहना है जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिले के प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का। पटेल ने ये बात जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की सिद्धि की दिशा में आगे बढ़ते हुए जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की इच्छा शक्ति हमने संकल्प पत्र में अभिव्यक्त की थी। उन वादों को पूरा करने के मजबूत इरादों की झलक इस बजट में देखने को मिली। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल सहित विधायक गणों और प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक भावनात्मक पहल है, जो कि वातावरण को बढ़ाने के साथ साथ जैव विविधता संवर्धन की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आयोजन में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा, किशनपुर विधायक अमीन खान, आदर्श नगर विधायक रफीक खान सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। जिला कार्यालय कलेक्टर जोधपुर जयपुर में स्वागत और अभिनंदन है। आप भी लंबे समय से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे हैं, हम भी जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनेक बजट आए और फिर भी अनेक बजट आएंगे, लेकिन राजस्थान के अब तक के इतिहास में ये सबसे ऐतिहासिक बजट है और इस बजट की क्रियान्विति के लिए बजट घोषणा के दूसरे दिन से ही माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने इसको धरातल पर उतारने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की। पहले उन्होंने सभी सेक्रेटरी जी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक की, किस तरह से हम इस बजट की घोषणाओं को शीघ्रातिशीघ्र धरातल पर उतारे, इस संबंध में कार्रवाई की। फिर हमारे सभी सेक्रेटरी ने कल अपने अपने जिलों में बैठक ली और आज प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने प्रभार वाले जिलों में बैठ के लिए। और इन सब के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी का मकसद एक है कि बजट की घोषणाएं मात्र बजट की घोषणाएं नहीं रह जावे, उसको समय अनुकूल विद इन टाइम धरातल पर उतारें। और इसीलिए आज जयपुर कलेक्ट्रेट में जयपुर जिले की बैठक हुई है और हमने हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, उसकी भी समीक्षा की जाएगी।